नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे स्पार्क्स की तरफ से आने वाले एक वाइट स्नीकर्स की। 9039 मॉडल मैंने ऑर्डर किया था और ये ऑफ वाइट कलर है हमारे पास। और इसमें आप देख सकते हैं जो साइज़ है हमारे पास अवेलेबल है वो साइज़ 8 है। और इसकी जो MRP है वो 999 है, पर आप इजीली इसे 550 या फिर 650 का अमेजोन से बाय कर सकते हैं। मैंने इसे 550 में बाय किया है। जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से जो हमारे शूज़ हैं वो रखे हुए मिल जाएंगे, ये आप देख पा रहे होंगे। और मुझे पर्सनली जो इसकी पैकिंग है काफ़ी अच्छी लगी। ये शायद इसलिए भी दी जाती होगी जिससे कि, क्योंकि वाइट कलर है तो ये बिल्कुल भी गंदा ना हो शिपिंग के, या फिर अगर ये ऑफलाइन कोई कस्टमर बाय करता है तो छू के देखेगा तो उससे भी गंदा हो सकता है। तो इसीलिए इस पर सेलोफिन शीट चढ़ा के दी जाती है जिससे कि जो इसका कलर है वो बरकरार रहे और ये वाइट के वाइट बने रहें। चलिए जल्दी से इसे ओपन करते हैं और इसे हम ओपन करके देख ही लेते हैं एक बार कैसी इसकी क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। कुछ इस तरीके से जो हमारे शूज़ हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो मटेरियल है वो यूज़ किया गया है। इसमें जो ऊपर का मटेरियल है उसमें हाई क्वालिटी PVC का यूज़ किया गया है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। तो जो इसकी फिनिशिंग है और फिट है काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलने वाला है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं स्पार्क्स का जो लोगो है वो इसमें थ्रेड से एम्ब्रॉयड करा गया है, जो काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं आगे की साइड कुछ इस तरीके से जो प्रोटेक्शन है वो रबड़ की दी गई है, ये भी काफ़ी अच्छी टेक्सचर के साथ आपको देखने को मिल जाती है। ये जो साइड में इसमें स्ट्रिप्स दी गई हैं चार इधर चार इधर, वो काफ़ी अच्छा लुक इसे प्रोवाइड करती हैं। और अंदर का जो मटेरियल है वो भी काफ़ी कुशनी है, ये आप देख सकते हैं इसकी साइड वॉल्स पे काफ़ी अच्छा कुशन यूज़ किया गया है। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाला है आपको अगर आप इसे वियर करते हैं डेली यूज़ के लिए भी। और आप देख सकते हैं इसमें नीचे की तरफ जो सोल है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आपको देखने को मिल जाती है, तो मुझे काफ़ी पसंद आई। और बैक साइड पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो इसकी ग्रिप है वो आपको देखने को मिल जाती है, जिसकी ग्रिप है वो एंटी स्किड है, आप इसे कैसे भी सरफेस पे जाकर पहन सकते हैं। और जो इसकी सोल है उसमें PVC का यूज़ किया गया है, तो काफ़ी अच्छी जो फिनिश है वो आपको देखने को मिलेगी। और नीचे आप देख सकते हैं जो इसका साइज़ है वो दिया गया है, और साथ ही इसमें जो स्पार्क्स की ब्रांडिंग है वो की गई है। तो इसीलिए काफ़ी अच्छा मुझे शूज़ लगा, दोनों शूज़ ही एक जैसे ही हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये क्योंकि रनिंग शूज़ नहीं है, ये पार्टी वेयर या फिर कैजुअल यूज़ के लिए हैं, तो इसीलिए ये लाइट वेट तो नहीं है कहूँगा मैं इसे, थोड़े हैवी वेट हैं। क्योंकि आपने अगर कोई शूज़ स्पोर्ट शूज़ वेयर करते हैं तो उससे तो आपको इसे इसका जो वेट है वो कुछ ज़्यादा लगने वाला है। सब चीज़ को देखते हुए मुझे काफ़ी पसंद आए। और हल्का सा अगर मैं आपको इसको बैंड टेस्ट करके दिखाऊं तो मैं 1 मिनट इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसे निकाल देता हूँ, अब कुछ नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं इसका अगर मैं बैंड टेस्ट करके दिखाऊँ तो इसमें कोई भी आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैं कहूँगा आप इसे बाय कर सकते हैं। और अगर आपको 600 से नीचे अगर इसका प्राइस मिलता है तो आप इसे डेफिनेटली बाय कीजिएगा, क्योंकि एक ब्रांड की तरफ से इतना अच्छा शूज़ मिलना काफ़ी अच्छी बात है। और वाइट स्नीकर्स आपकी कलेक्शन में ज़रूर होने चाहिए अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या आपको कैजुअल यूज़ के लिए चाहिए, तो इसीलिए आप इन्हें बाय कर सकते हैं। इनको बाय करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली अनबॉक्सिंग। थैंक यू।